पे जो फैमिली वो माइग्रेट करके आए थे जब पाकिस्तान बना था। जबरदस्त सर, ये तो फिर बहुत अच्छी लेटेस्ट न्यूज है मेरे लिए। तो 150 रुपए किलो आटा बिक रहे हैं, तो चीनी अभी 150 रुपए किलो पर जा रही है, पेट्रोल 300 रुपए लीटर जा रही है। इसमें क्या गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। गालियां देने से कुछ नहीं होता, वी नीड टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते, और हम कभी इसराइल को गालियाँ देते हैं, कभी किसको गाली देते हैं, कभी हम समझते हैं इससे ज़्यादा हमारी आवाम भी सुनती है, आवाम बाय करती है ना इन चीज़ों को। यहाँ पर बैठ कर इंडिया को गालियाँ देते हैं, इंडिया तो बड़ी सस्ती दे रहा है चीज़ें, इसको कैसे देखते हैं? इंडिया को तो ये मुल्क तो बहुत नकारा हो गया है। पाकिस्तान की को ना ही बोलूँ तो बेहतर है। सही, हर बंदे को अपनी दफा कर लेनी चाहिए। घर के हालात तो बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। हमें सैलरी मिलती है 15,000 रुपये, उसमें सिर्फ 15,000 जी, उसमें हम खाते पीते भी आए हैं, उसके बाद हम घर की फैमिली का निज़ाम भी चलाते हैं, और उसके बाद जो है ना महंगाई अभी आपको पता है कि आसमान को छू रही है। हमारे लिए तो बुरा है, हम उसे बुरा ही कहेंगे, हमारे लिए बुरा, लेकिन अपने मुल्क के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसने लार्जेस्ट इकॉनमी बना दी है, ठीक है, अभी उसने वर्ल्ड समिट वहाँ पे श्रीनगर में कर ली है जाके, G20 श्रीनगर में पता नहीं आग लगी हुई है, और वहाँ सारी दुनिया के लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। कश्मीर कश्मीर शाम तक हम घर जाएंगे, इससे तो इंडिया अच्छा है, इससे तो इंडिया अच्छा है। अगर आज मैं खुद कश्मीर का इधर रोड पर नारा लगाऊंगा ना, तो शाम को मैं बच्चों के पास नहीं जा सकता। हमारा सियासतदान भी वही काम करता है जो कश्मीर वाले, इंडियन कश्मीर, इंडिया ने कश्मीर में, इंडिया में ओवरऑल उन्होंने अपनी जो तालीम है ना उस पर बहुत अच्छा फोकस किया। सर, ये डेवलपमेंट भी देखे ना, सेकेंड लार्ज इकोनॉमी बन गया दुनिया के, देखे कहाँ ले गया। आज हमने एजुकेशन पर फोकस नहीं की, आज हम सिर्फ यही कहते हैं वहाँ पर जुल्म होता, वो नरेंद्र मोदी ऐसा, इंडिया ऐसा, क्या फर्क पड़ेगा उससे? लोगों को गालियाँ देने से कुछ नहीं होता, वी नीड टू इम्प्रूव आवर सेल्फ। हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते, और हम कभी इसराइल को गालियाँ देते हैं, कभी किसको गाली देते हैं, कभी हम समझते हैं इससे ज़्यादा हमारी आवाम भी सुनती है, आवाम बाय करती है ना इन चीज़ों को। तो हमारा सियासतदान भी वही नहीं उन चीज़ों को समझ पा रहे, जो चीज़ें तरक्की के लिए ज़रूरी है ना बेटा, उन चीज़ों तक हम नहीं जा पा रहे अभी। नहीं सर, उनकी वैल्यू ज़्यादा, अगर देखेंगे नरेंद्र मोदी को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पॉलिटिशियन, हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन। हमारे लिए तो बुरा है, हम उसे बुरा ही कहेंगे, हमारे लिए बुरा, लेकिन अपने मुल्क के लिए तो बहुत अच्छा है। उसने लार्जेस्ट इकॉनमी बना दी है, ठीक है, अभी उसने वर्ल्ड समिट वहाँ पे श्रीनगर में कर ली है जाके, G20 श्रीनगर में पता नहीं आग लगी हुई है, और वहाँ सारी दुनिया के लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, ठीक है। तो हम अपना दिल बहला रहे हैं यहाँ बैठ के कि जी हम तो ये है, तो हम वो है, तो इंडिया ये है और इंडिया वो, इंडिया तो अपनी तरक्की कर रहा है, व्हाई डोंट वी? सर, ये कॉन्फ्लिक्ट सारे खत्म करके ट्रेड कर लेनी चाहिए, ट्रेड ना करने से किसको नुकसान है? देखिए, मेरा एक नाकिस रहा है, मुझे इसका इतना इल्म नहीं है, ट्रेड करने से शायद हमें नुकसान होगा। किस तरह से? मे बी क्योंकि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत है हमसे बहुत ज़्यादा है, जस्ट लाइक चाइना से भी तो ले रहे हैं, ले रहे हैं ना, तो हमें कितना बड़ा, अगर देखा जाए तो मेरे घर में कितना बड़ा नुकसान हो रहा है कि मैं हर चीज़ उनसे ले रहा हूँ, अपने घर में फैक्ट्री में नहीं बना रहा, जो मेरा मजदूर है वो इससे अर्न नहीं कर पा रहा, उनका मजदूर अर्न कर रहा है पूरी दुनिया में चीज़ बेच के, तो वो चीज़ अगर हम खुद बनाना शुरू करें। सर, हम बनाएंगे खुद? 47 सालों से नहीं बन पचे, ये कहूँगा कि हमें अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन पहले जब तक हम अपने आप को खुद ठीक नहीं करेंगे हम कुछ भी बना नहीं पाएंगे तब तक। सर, मेडिसिन का काम करते हैं आप, कितनी परसेंट बाहर से इंपोर्ट करते हैं और कितनी परसेंट एक्सपोर्ट करते हैं? मैं एक मल्टीनेशनल में हूँ, एबर्ट लेबोरेटरीज में, एबर्ट की 100% प्रोडक्शन पाकिस्तान में है, कराची में, लांडी कराची में, हमारी दो फैक्ट्री है, एक कुरंगी में और एक लांडी में, तो 100% जो मैन्युफैक्चरिंग है मेडिसिन की वो पाकिस्तान में होती है। सर, ट्रेड का एक बेनिफिट तो ये भी तो है ना, जो चीज़ें हम बाहर के कंट्री से लेते हैं, फॉर एग्जांपल के आटा हमें यहाँ पर मिल रहा है 180 रुपये के जी, अगर हम इंडिया से लेते हैं वहाँ पर 25 रुपये के जी है, ये कितना बेनिफिट होगा? गरीब आदमी को यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा, यहाँ पर कुकिंग ऑयल अगर बात करेंगे 550 रुपये के जी, वहाँ पर अगर बात करेंगे 60 रुपये के जी, वहाँ पर 3 रुपये लेते हैं और गरीब को राशन दे देते हैं पूरे महीने का। सर, यहाँ पर उनका 60 भी जो है ना हमारा 200 भी बनता है, तो हमारे 550 से इकोनॉमिकल, बट हमें अपने मुल्क की जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उसको नीचे लाना चाहिए ना, फिर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे। कोई छोटा सा घर भी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं चल सकता, इतना बड़ा 25 करोड़ का मुल्क लोगों पर डिपेंडेंट होकर कैसे चल सकता है? कैसे चल सकता है? सर, कोई मैसेज दे दे, से निकलना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि हमें एज ए नेशन जो ना, सबसे पहले मुझे अपने आप को देखना चाहिए, मैं अपने मुल्क के लिए क्या बेहतर कर रहा हूँ, बिल्कुल सही, मैं कितना कंट्रीब्यूट, इतना भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ना अगर पॉजिटिव वे में ईमानदारी से, तो मुझे फिर उम्मीद करनी चाहिए कि ऊपर, अगर मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बातें कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, फलाना फलाना, बुरे बुरे बुरे, तो वो तो ऐसे ही रहेंगे।
बिल्कुल सही हो गया सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, यकीन करें दिल की गहराइयों से आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अन्ना। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? मेरा नाम राजा अब्दुल मजीद है। क्या करते हैं? मैं ये इजी फाउंडेशन की गाड़ी चलाता हूँ। ओह माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं आप। तो सर बताइएगा कि नेक काम के साथ साथ गुजारा कैसा चल रहा है, घर के हालात कैसे हैं? एज अ कश्मीरी आप अपने थोड़े से हालात बताइएगा करके। घर के हालात तो बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। हमें सैलरी मिलती है 15,000 रुपये, उसमें सिर्फ 15,000 जी, उसमें हम खाते पीते भी आए, उसके बाद हम घर की फैमिली का निज़ाम भी चलाते हैं, और उसके बाद जो है ना महंगाई अभी आपको पता है कि आसमान को छू रही है, और उसके बाद जो है ना बड़ी मुश्किल से हम निज़ाम अपना चला रहे हैं, महंगाई जन बिजन जोर पकड़ रही है। तो इसलिए 15,000 रुपये में कैसे गुजारा होता होगा, मैं तो हैरान ये सोच रहा हूँ। एक्सपेंसेस अगर आप घी का पैकेट भी लेते हैं तो वो भी 550 रुपये का, अगर आप आटा भी लेते हैं वो भी 180 रुपये का, तो सर महीना कैसे गुजरता है ये इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। बाजू को दुकानदारों से कोई आधार वगैरह ले लेते हैं, कोई आज आज उनको पैसे दे देते हैं, तो बड़ी मुश्किल से निज़ाम चलाते हैं हम। क्या करें, अभी हुकूमत इस मुश्किल में के दौर से गुजर रही है, हमारा जो है ना मुश्किल निज़ाम बड़ी मुश्किल से चल रहा है। खुश हैं पाकिस्तान के साथ मुंसलिक करके? मुल्क के लिहाज से तो हम खुश हैं, लेकिन महंगाई के लिहाज से हम खुश नहीं हैं। एक हमारा मुल्क है ना, उसके लिए हम कश्मीर, हाँ आज़ाद कश्मीर जो है ये हमारा मुल्क है। और एक बंदा क्या चाहता है, आप या मैं क्या चाहते हैं एक मुल्क से? यही चाहते हैं ना कि हमें जो ज़िंदगी की आसाइशें अच्छी हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, आपके ज़रिया इनकम बहुत अच्छी हो, और आपकी ज़िंदगी बहुत आराम सुकून से गुजरे, क्या वो सब कुछ हो रहा है? वो तो बड़ी मुश्किल से निज़ाम चला रहे हैं हम, हमारे बच्चे जो हैं वो भी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के लिए तो हमारे पास फीस नहीं है, पहले हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे, अभी उनको हमने वापस करके सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा दिया है, और वहाँ के जो है ना निज़ाम आपको पता है, अभी टीचर भी आपने मतलब है वो अड़तालें वगैरह की हुई हैं उन्होंने, उनका भी निज़ाम बड़ा ख़राब है, तो हमारा जो है बड़ा दुख, बच्चे का बच्चों का जो मुस्तकबिल है ये बहुत ख़राब हो रहा है। क्या समझते हैं कि जिन जिन का हाथ लग रहा है वो पाकिस्तान छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं? अब यूनान में देखें, यूनान का वाकया जिसमें 135 जो कि तकरीबन 650 लोगों में से 135 लोग जो थे वो कश्मीरी थे, क्या कहना चाहेंगे कि लोग पाकिस्तान छोड़कर या कश्मीर छोड़कर कश्मीरी बाहर क्यों जाना जा रहे हैं, वो भी दूसरे तरीके से जा रहे हैं डंके लगा के? वो इसलिए जा रहे हैं कि ये यहाँ पे हमारे कारोबार कोई नहीं है, मजबूर हैं लोग, इस महंगाई से भाग रहे हैं, महंगाई की वजह से जा रहे हैं, बाकी हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, खासकर हमारे जो आज़ाद कश्मीर है, हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई हमें यहाँ पे कोई मिल वगैरह नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कुछ सिस्टम में सब चीज़ें जो है ना वो मुतासर होकर रह गई हैं, वो कारोबार बंद हो गए हैं। अभी हमारी मदीना मार्केट है, उसमें आप जाके चलें, एक दुकान खाली हो तो दिन को 10 आदमी वहाँ आते थे उसको लेने के लिए, आप 10 दुकानें खाली हैं वहाँ पे एक बंदा नहीं आता उसको लेने के लिए। क्या समझते हैं सर, खुश हैं गवर्नमेंट से? परेशानी होती है, इतनी महंगाई है तो काम भी नहीं है तो क्या करेंगे लोग, बहुत मुश्किलों में पड़े हुए हैं ना सर। एक तरफ हम है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर सर 3 रुपये देकर पूरे महीने का आटा राशन दिया जाता है, हम उन्हें गालियाँ देते हैं यहाँ पर बैठकर, लेकिन वो हमारे भाई कश्मीरियों के साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं, सर हमारे साथ भी होना चाहिए, सस्ता आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो 150 रुपये किलो आटा बिक रहे हैं, तो चीनी अभी अब 150 रुपये किलो पर जा रही है, पेट्रोल 300 रुपये लीटर जा रही है, इस पर क्या गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया? हम यहाँ पर बैठ कर इंडिया को गालियाँ देते हैं, इंडिया तो बड़ी सस्ती दे रहा है चीज़ें, इसको कैसे देखते हैं? इंडिया को तो ये मुल्क तो बहुत नकारा हो गया है। आप किस चीज़ की उम्मीद लगा बैठे हैं, अगर आपका कोई जग लगता कश्मीरी बाहर चले जाएंगे मुल्क, अगर कोई आपको बाहर जरिया इनकम अच्छी मिले, तो जैसे 10 लाख पाकिस्तानी मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं बाहर कमाई के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, आपको मौका मिले आप जाएंगे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? आप जाएंगे? सर मैं ज़रा थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ, सबसे पहले बात ये है मेरा अपना मुल्क अच्छा है, इसी मुल्क में पैदा हूँ, इसी मुल्क में मरना पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस अपने अरबाब अख्तियार से है जो ये हमारे वज़रा हैं, ये किसी भी पार्टी के हों, ये जो फौज जफर मौज है उन लोगों की तो याशियाँ हैं, मज़े ही मज़े हैं, लेकिन हम गरीबों के टैक्सों पर, मैं अगर बिजली का बिल नहीं अदा करूंगा मेरी बिजली काट दी जाएगी। कितना बिल आता महीने का? मुझे 1500, 2000, 4000 के बिल भी आए हैं। बिजली पानी आपका ही इस्तेमाल हो रहा है, कश्मीर का पानी कश्मीर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उस पर भी इतने टैक्सेस, इतना सारा बिल, 5000-5000 रुपये बिल भी मैं आपको दिखा सकता हूँ,
लेकिन ये फौज जफर मौज खत्म, आजादी है। अगर मैं मजदूर हूँ, मेरा वजीर भी मजदूर हो, ये आजादी है, इसको आजादी कहते हैं। अगर मेरा वजीर जो है ना, अगर मेरा वजीर जो है लैंड क्रूजर में जा रहा है, मैं एक फटीचर रक्शे में जा रहा हूँ, तो इसको आजादी कहते हैं? इसको आजादी नहीं कहते हैं, फौज जफर मौज है, ये फौज जफर मौज है, इसको आजादी नहीं कहते हैं, ये आजाद नहीं है। आज अगर हम आजाद कश्मीर का, खुद मुख्तार कश्मीर का कश्मीर शाम तक हम घर जाएं, इससे तो इंडिया आज है, इससे तो इंडिया से। अगर आज मैं खुद कश्मीर का इधर रोड पर नारा लगाऊंगा ना, तो शाम को मैं बच्चों के पास नहीं जा सकता हूँ। कौन से कश्मीर का? खुद मुख्तार कश्मीर का। मुझे किसी की गुलामी नहीं चाहिए, ना पाकिस्तान की चाहिए, ना मुझे भारत की चाहिए, मुझे खुद मुख्तारी चाहिए। सर गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट इधर जिसका उल्लू सीधा हो गया उसी की गवर्नमेंट है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना यहाँ पे? पाकिस्तान की, जिसका उल्लू सीधा हो गया, कल इलेक्शन हो जाएंगे, जो जमा जीत जाए उसी के हम लोग मुताज हैं, उसी की। पाकिस्तान की यहाँ पर हुकूमत है, तो फिर हम ऐसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं? बात यह है, ये उल्लू सीधा करने वाली बात है, कोई आज़ाद मजाद नहीं है, कोई आज़ाद नहीं है, ये सब उल्लू सीधा करने वाली बातें। हमारा वजीर अगर मेरे साथ मजदूर है ना, तो मैं उसको बोलूँगा ये मेरा वजीर है। अच्छा। ये मेरा वजीर आजम है, ये मेरा सदर है, मैं भूखा मर रहा हूँ, वो अपनी याशियाँ उड़ा रहा है। सर हम यहाँ पर बैठकर इंडिया के कश्मीर को गालियाँ दे देते हैं, लेकिन लिटरली कल मैंने रिसर्च की तो मैं हैरान रह गया, वहाँ पर आटा जो है 25 रुपये के जी है, यहाँ पर 180 रुपये के जी, वहाँ पर कुकिंग ऑयल जिसे हम घी कहते हैं वहाँ पर 60 रुपये के जी है, और यहाँ पर कितने का पता, यहाँ पर 550 रुपये के जी है। मैं तो हैरान हूँ, हम लोग घर के लिए खरीदते हैं, हमें अच्छे तरीके से पता है, लेकिन ये मेरा मुल्क है, मैं इसको तरजीह देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं, नौजवान है, थोड़ा आगे आ जाएं। जी जी जी, किस हवाले से? क्या कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट है यहाँ पर आज़ाद है, कश्मीर आज़ाद है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज़ाद हैं। किस तरह कश्मीर इस तरह से आज़ाद हैं, यहाँ पर जो सिक्का चलता है जो, वो पाकिस्तान का चल रहा है, हम लोग खुद मुख्तार नहीं हुए अभी तक, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान का चलता तो आप कैसे आज़ाद इसलिए हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर चीज़ की आज़ादी है यहाँ पे, मजहब के अलावा और किस चीज़ की? मजहब की आज़ादी है, ये फौज या फरमोज खत्म होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? मजहब की आज़ादी है हमें, एक सबसे पहले लोग कैसे तरक्की कर गए हैं,